दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ तो मिला में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम ट्रेवल संबंधी, ऐप संबंधी और इंटरनेट संबंधी जानकारी देते हैं। दोस्तों आज की खबर ट्रेवल से है और भारतीय रेलवे की तरफ से निकल के आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी है, लेकिन रेलवे ने 12 मई से ही ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो रेड कलर में बेल आइकन दिया उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों 12 मई से रेलवे शुरू करेगा अपनी सेवाएँ इन जगहों के लिए 15 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने की है योजना। केवल 15 जोड़ी, मतलब कि 30 ही ट्रेनें चलेंगी अभी विशेष। जैसे स्पेशल ट्रेनें होती है वैसे ही ट्रेनें चलेंगी। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि कोरोना वायरस के कारण 17 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन रेलवे ने 12 मई से ही ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम चालू कर देगा और जो जैसा मर्जी वैसे सफ़र करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। चरणबद्ध तरीके से भारतीय रेलवे की योजना कि 12 मई से धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। इस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली इन ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। ये जैसा कि पीयूष गोयल जी का ये ट्वीट है, जैसा पीयूष गोयल ट्वीट करके बोल रहे हैं, रेलवे प्लान्स टू ग्रेजुएट रीस्टार्ट पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन फ्रॉम 12 मई से बोल रहे हैं। इनिशियली विद 15 पेयर्स ऑफ स्पेशल ट्रेन, 15 पेयर्स मतलब कुल 15 जोड़ी। और इस बुकिंग इन दी ट्रेन विल स्टार्ट एट 4 PM ऑन 11 मई, मतलब 11 मई को 4 बजे शाम से इस ट्रेनों की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी पीयूष गोयल जी का ट्वीट। उसके बाद रेलवे कुछ अन्य मार्गों पर भी विशेष ट्रेनें संचालित कर गया। अभी तो सीमित सेवाएं हैं, लेकिन कुछ अन्य मार्गों पर भी ये स्पेशल ट्रेन चलाएगा। हालांकि ये कोचों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, क्योंकि 20,000 कोचों को COVID-19 केयर सेंटर के रूप में आरक्षित किया गया है, जबकि प्रतिदिन 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए भी पर्याप्त संख्या में कोच रिजर्व हैं। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई की शाम को 4 बजे शुरू होगी। केवल IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट बुकिंग किए जा सकेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि केवल वेबसाइट से बुकिंग होंगे, ना कि आप रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर से बुकिंग हो जाएगी। और कोई काउंटर टिकट, प्लेटफार्म टिकट भी जारी नहीं किया जाएगा। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति होगी। मतलब प्रवेश करने से पहले ही आपका टिकट कंफर्म होगा तभी आप अंदर जा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं जा पाएंगे। यात्रियों को प्रवेश के दौरान मास्क अनिवार्य होगा और प्रस्थान के समय स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। सिर्फ यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी। उधर कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है, बावजूद इसके संक्रमण बढ़ रहे हैं, लेकिन रेलवे ने अपना ट्रेनों को स्टार्ट करने का फैसला किया है, क्योंकि मजदूर लोग और बाकी लोग बंद नहीं कर रहे हैं, सफ़र पैदल ही जा रहे हैं। यही सब देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों को चला रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।